पर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर बहुत तेजी से ऊपर उठती हुई पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। और साफ तौर पर यहां पर जो हम देख रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें हैं, इस बात की गवाह हैं कि इस तरह से जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है उनके एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आयशा खानम हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आयशा, साफ तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और ये जनसैलाब बहुत कुछ कह रहा है आने वाले आगामी 2024 के चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल गौरव, देखिए मैंगलोर में लगातार कई घंटों से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का इंतजार कर रहे थे और ये रोड शो अभी शुरू हुआ है ब्रह्मश्री नारायण गुरु सर्कल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारायण गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। नारायण गुरु जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी काफी मान्यता है इस क्षेत्र में क्योंकि वो सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो शुरू किया और हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और जो मैंगलोर बीजेपी का गढ़ माना जाता है हमेशा से, मैंगलोर करावली क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी हमेशा साल 1991 से बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती आई है। तो मैंगलोर बीजेपी के लिए एक गढ़ माना जाता है और बीजेपी इस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का आयोजन है तो हजारों की संख्या में हम लोगों को देख सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का एक सुनामी वेव यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कोयम्बतूर हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, जो विकसित भारत का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं लोगों के सामने, 2047 का विजन जो है, इसको इस बात पर यकीन करते हैं लोग और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होता हो या फिर रोड शो होता हो उसको वो लगातार बार बार सुने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखे। देखिए मैंगलोर की सड़कों पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं, ये रोड शो पहली बार हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैंगलोर में कई रैली किए हैं अभी तक, कई योजनाओं, कई विकसित विकास योजनाओं का आगाज भी किया है यहाँ पर उन्होंने। तो ये जो रोड शो है करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा और हर जगह चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बैंगलोर एक कोस्टल इलाका है, कोस्टल रीजन है, करावली के तौर पर जाना जाता है और इस क्षेत्र में जो विकास की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यहाँ पर न्यू बैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी में करीब 3,800 करोड़ की योजनाओं का आगाज भी किया था। यहाँ बैंगलोर में देखिए मछुआरे जो है, मछुआरों के लिए बंदरगाह की सुविधा यहाँ पर केंद्र सरकार ने तैयार की थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो मैंगलोर को विकास की राह पर लाकर खड़ा किया है। हालांकि मैंगलोर पोर्ट होने के नाते एक विकसित शहर माना जाता है और बैंगलोर के बाद मैंगलोर जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा विकसित शहर माना जाता है। तो मैंगलोर की कोस्टल लाइन को डेवलप करने के लिए इसे सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा भी गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी तमाम जो सौगात जो है यहाँ के लोगों को दे चुके हैं, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए, प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए लोग उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर मैंगलोर की सड़कों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ हम देख सकते हैं कि मैंगलोर के जो उम्मीदवार हैं ब्रजेश चौधा और जवाहर और सुरेश पुजारी जो है वो उनके साथ खड़े हैं और ये दोनों जो है प्रधानमंत्री, इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनका स्वागत करने उन पर पुष्प बरसा रहे हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा मैंगलोर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री को पुष्प से स्वागत करना चाहता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और इस रोड शो में, इस रोड शो का हिस्सा बनकर जहाँ की मैंगलोर में एक इतिहास बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आयशा, कर्नाटक को दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। 2019 में भी हमने देखा
28 में से 25 सीटें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्राफ तैयार करने की कोशिश और दक्षिण भारत में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत अब की बार करती हुई नजर आएगी। कर्नाटक बीजेपी का दक्षिण का द्वार माना जाता रहा है, हमेशा से बीजेपी कर्नाटक में काफी मजबूत रही है और ये जो क्षेत्र है मैंगलोर करावली क्षेत्र है, यहीं से बीजेपी की शुरुआत हुई थी। उड़पी से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की थी कई दशक पहले और यहाँ से सिर्फ एक विधायक के जीतने के बाद से बीजेपी का करीब 3 दशक पहले का सफर जो है उसके बाद बीजेपी कर्नाटक को दक्षिण का द्वार बना चुकी थी और यहाँ पर बीजेपी ने लगातार 3 बार अपनी सरकार भी बना दी है। इस बार बीजेपी जो मौजूदा लोकसभा है उसमें बीजेपी के 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है और बैंगलोर वो क्षेत्र है जहाँ से बीजेपी हमेशा से 1991 से जीतती आई है। और प्रधानमंत्री जब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण पर फोकस है, जब दक्षिण भारत में करीब 129 सीटें हैं उनमें से देखा जाए तो 28 सीटें जो है बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है 28 सीटों का, ये 28 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में थे और जेडीएस के साथ जो बीजेपी ने अलायंस किया है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ उन्होंने स्टेज पर ये बात कही कि बीजेपी ना महज 20 या 25 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे 28 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को ये बताया कि ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विजन उन्होंने तैयार किया है 2047 का उसके लिए एक एक सीट को जोड़ना, एक एक सीट बीजेपी के खाते में जोड़ना और जो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार इसको पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। तो बीजेपी का दक्षिण का द्वार कर्नाटक है और कर्नाटक में बैंगलोर जो है करावली जो कोस्टल इलाका है ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ है और बीजेपी ने इस बार नए चेहरे उतारे हैं। बैंगलोर से जो है विजय चौधरी को उतारा है जो एक फौजी रिटायर्ड फौजी है वो एक युवा चेहरा है। तो बीजेपी ने यहाँ से डिप्टी एमपी नलिन कटील उन्हें बदलकर इस युवा चेहरे को यहाँ पर उतारा है। तो जाहिर है बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर इस नए चेहरे पर पूरा दाम लगाया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर भरोसा करते हुए युवाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी हमेशा ये कहती रही, प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि युवा जो है विकसित भारत की नींव है, न्यू इंडिया की न्यू नींव है। तो यही बीजेपी की एक ताकत है कि युवाओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ती है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो दो चेहरे हैं वो काफ़ी चुनिंदा कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, जो क्लीन और साफ छवि वाले इमेज इन दोनों में इन दोनों कैंडिडेट्स की है। तो बीजेपी बैंगलोर में इस चुनाव में भी कोई ऐसा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती, बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर इन दो कैंडिडेट को प्रधानमंत्री ने अपने साथ यहाँ पर इस रोड शो में साथ लेकर चल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और लोग उनका स्वागत यहाँ पर जमकर कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जैसे कि हम बात कर रहे थे दक्षिण में करीब 129 सीटें हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ समय से बहुत जोर लगाया है दक्षिण भारत में, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर आंध्रा और कर्नाटका, लेकिन कर्नाटका में बीजेपी को उतनी मेहनत से नहीं करनी पड़ती। अगर ये कहें कि बीजेपी को नहीं करनी पड़ती तो गलत होगा कि बीजेपी हर सीट के लिए मेहनत करती है, लेकिन जिस तरह से केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कर्नाटक में बीजेपी को इस बात का आयशा कर्नाटक बीजेपी का जी, गढ़ रहा है। जी आयशा, 2019 में हमने देखा 28 में से 25, अब की बार 28 में से 28 का जो टारगेट सेट किया गया है तो कह सकते हैं क्या कोई चुनौती भी है सामने, या अब की बार जो तमाम विकास की गाथाएं लिखी गई, जो तमाम परियोजनाएं योजनाएं चलाई गई उसका सीधा लाभ अब की बार बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए बीजेपी अब की बार 400 पार का जो नारा लगाए है ये लोगों तक पहुंच रहा है, ये लोगों के लिए एक आम स्लोगन बन गया है और जो विकास की धारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले उन्होंने विकास की धारा इन तमाम राज्यों में, इन तमाम स्टेट में लागू की है, ये एक इसका गवाह है कर्नाटक के लोग या फिर दक्षिण भारत के लोग।
तो बीजेपी ने सोचे समझे अपनी जो रणनीति है उसके तहत उस चुनाव में 400 अच्छी बार 400 पार का नारा इसलिए लगाया है क्योंकि बीजेपी ने साझेदारी भी की है जेडीएस के साथ कर्नाटक में। लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री मैसूर में जेडीएस के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री के देवेगौड़ा के साथ मिलकर प्रचार किया क्योंकि ये जो ओल्ड मैसूर रीजन है अहम है, यहाँ पर वोकली का डोमिनेंट इलाका है, तो ये जो अलायंस है बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है। और अगर बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में अपना मुकाम बना लेती है, बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में अपनी छाप छोड़ती है, तो जाहिर है बीजेपी को बीजेपी इस पूरे चुनाव में 28 का जो लक्ष्य रखा है उसे जीतने के लिए बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का नारा है और खासकर बैंगलोर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं को लागू किया है, चाहे वो बोट हो या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो जिसके तहत मछुआरों के लिए काफी कुछ योजनाएं यहाँ पर लॉन्च हुई थी। और आज भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मछुआरों पर खास फोकस किया है, कैसे मछुआरे फिशिंग के अलावा खेती भी कर सकते हैं, यानी पर्ल की खेती कर सकते हैं और दूसरे व्यवसाय भी उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी ने एक एक क्षेत्र के एक एक वर्ग के लोग सबका साथ सबका विकास का जो बीजेपी का नारा है इसके जरिए बीजेपी ने हर एक वर्ग के लोगों के लिए उनके सुविधा अनुसार उनकी जरूरत के अनुसार स्कीम लॉन्च की है और ये विकास की जो लहर है वो साफ नजर आती है। और यहाँ पर जो खड़े लोग हैं इनमें से हजारों की संख्या में वो तमाम लाभार्थी हैं, कई मछुआरे हैं जिन्हें फिशिंग हार्बर पर उन्हें बेहतर फिशिंग कैच के लिए सुविधा हुई है और इन कई मछुआरों के लिए आवास की योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो इनमें से कई सारे हजारों की संख्या में लाभार्थी भी आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए और उन्हें करीब से देखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकास की लहर को लेकर चलते हैं। और ये जो है आज साफ नजर आ रहा है बैंगलोर की इन तमाम सड़कों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये जो काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग उन पर पुष्प बरसाते हुए आगे उसका स्वागत कर रहे हैं। गौरव, आयशा, मत्स्य पालन विभाग की तरफ से जो हमने देखा कि मछली पालन के लिए जो मछुआरे हैं उनको किस तरह से उसकी सहूलियत मिल पाए, तमाम फंड्स वहां पर जारी किए गए, तो ऐसे में कर्नाटक में सीधा फायदा इसका मिलता हुआ नजर आएगा, ये चुनाव में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, ये विकास की बात अगर जब हम करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कर्नाटक में एक साल पहले तक बीजेपी की सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी तो ये एक डबल इंजन सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहाँ पर विकास की योजनाओं को लागू किया है। और हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर सरकार बदल गई और अब कांग्रेस सरकार है, तो यहाँ बीजेपी विपक्ष है, अभी विपक्ष पार्टी है, तो बीजेपी लगातार ये हमला करती हुई नजर आती है सरकार पर कि कर्नाटक में विकास रुक गया है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बार बार प्रधानमंत्री या फिर केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें अपने शेयर का टैक्स वापस नहीं मिला और उन तक जो ड्रॉट यानी जो ड्रॉट का फंड आना था वो अभी तक नहीं आया। लेकिन विकास की बात अगर हम करें तो वो जो विकास हम देखते थे जो डबल इंजन सरकार जब यहाँ पर थी, कर्नाटक में बोम्मई मुख्यमंत्री थे और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर यहाँ पर कई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। बैंगलोर ही नहीं बल्कि बैंगलोर में मैसूर यहाँ पर तमाम जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार ने लागू किए थे। ये जो है ये एक विजिबल डेवलपमेंट लाइन जो है यहाँ पर कर्नाटक में नजर आती है। और खासतौर से अगर हम बैंगलोर की करें तो बैंगलोर में जो मछुआरे हैं उनके लिए जो बंदरगाह में जो नई सुविधा बनाई गई थी, कुलाई में जो नई सुविधा बनाई गई थी जहाँ पर उन्हें बेहतर फिशिंग करने के लिए सुविधाएं हैं, उसके बाद इनमें से कई मछुआरों के लिए अपने व्यवसाय में कई लाभ मिलने लगा। कई युवा जो हैं इनके परिवार से जो युवा मछुआरे हैं उन्होंने भी अब फिशिंग
को अपनाने की कोशिश करने लगे ताकि वो अपना व्यवसाय उसके साथ जोड़ सके। तो ये जो विकास की लहर मैंगलोर में प्रधानमंत्री ने लागू की थी ये साफ नजर आता है। और आज जो लाभार्थी खड़े हैं सड़क के दोनों ओर, ये तमाम लाभार्थी इस बात के गवाह हैं कि मैंगलोर में कैसे विकास के विकास यहाँ पर कैसे हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो करीब 1.5 साल पहले 3,800 करोड़ रुपए के विकास की योजनाओं को यहाँ पर लॉन्च किया था, यहाँ पर हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है। और यही लाभार्थी जो है यहाँ पर आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो जाहिर है बीजेपी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी 5 गारंटीज को लेकर चुनाव में प्रचार कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है बीजेपी जो विपक्ष है कर्नाटक में लगातार कर्नाटक सरकार की जो 5 गारंटीज है उस पर उसने भी कई सारे जो खामियां हैं उसको लोगों के सामने रखा है। तो विकास वर्सेस 5 गारंटी की जो यहाँ पर जो नारा यहाँ पर लगा हुआ है उस लग रहा है कर्नाटक में, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के लोग देख रहे हैं कि विकास के जरिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को मेन कर्नाटक को पूरे देश के एक डेवलपमेंट मैप का हिस्सा बनाना चाहते हैं और कैसे लगातार इस क्षेत्र में खासकर करावली क्षेत्र में कोस्टल रीजन में विकास की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आयशा, कर्नाटक को हमने देखा है कि पिछले 2019 के चुनाव में भी जब 25 सीटें भाजपा के खाते में आई उस वक्त भी चुनौतियां तो तमाम थीं लेकिन भाजपा उससे पार पाई। अब की बार की जो चुनौतियां हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि अब की बार भी कुछ टारगेट जो सेट किया गया है वो 28 से 28 सीटों का सेट किया गया है, तो क्या ऐसी चुनौतियाँ हैं जो अभी भी बीजेपी के सामने नजर आ रही है? जी देखिए, बीजेपी के सामने चुनौती इस चुनाव में बीजेपी के सामने जो टिकट जारी हो रहे थे उस समय काफी चुनौतियां थी, काफी अंदरूनी खटपट चल रही थी कुछ स्थानीय नेताओं में, लेकिन बीजेपी ने जल्दी ही इस मामले को सुलझा लिया और बीजेपी ने इस पार्टी के अंदर ही जो कुछ लोगों ने कुछ नेताओं ने नाराजगी के चलते बगावत के तेवर दिखा रहे थे उसे इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर ली। और ऐसे में बीजेपी उसके बाद तमाम नेताओं को अपने तमाम नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया है और उसके बाद बीजेपी अब यही उम्मीद कर रही है कि सब एकजुट होकर इस चुनाव का सामना करेंगे। और कर्नाटक में इस समय कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 5 गारंटीज के जरिए कर्नाटक में लोगों का विकास हुआ है और यही वजह है कि लोग 5 गारंटीज के चलते उन्हें वोट देंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की 5 गारंटीज हैं वो मोदी सरकार की जो विकास की लहर है उसके सामने कितने हद तक खड़े उतरते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी की जब बात करते हैं तो आज ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी गारंटी की बात करती है तो वो इस बात की भी गारंटी देती है कि वो गारंटी पूरी होगी। तो ये जो गारंटीज वर्सेस गारंटीज की बात कही जा रही है इसका इम्तिहान इस चुनाव में है और ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक सरकार जो 5 गारंटीज को लेकर इस चुनाव में मुद्दा बनाया है, इस चुनाव में अपने आप को अपनी तरफ से एडवांटेज मान रही है उस पर कितने हद तक खरी उतरती है। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है उनकी, जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, खासकर युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, और जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंची है, इन तमाम योजनाओं का असर यहाँ पर ये जो लाभार्थी यहाँ पर आए हैं उनके इस स्वागत में नजर आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए पहुंचे हैं और उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल आयशा, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है और ज्ञान की उसमें सबसे साफ तौर पर बात की है जिसमें गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी है। ऐसे में जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं और साफ तौर पर कर्नाटक की बात करते हैं, वहाँ पर ये प्राथमिकताएँ किस स्तर पर नजर आती हैं? तमाम योजनाएं हैं जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट स्कीम है ये दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में नजर आती है। खास बात जैसे केरल में हमने हाल ही में देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमेन बिल था उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
को धन्यवाद कहने के लिए जो 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं जो की थी, ये साफ नजर आ रहा था कि तमाम एम्पावर्ड महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए केरल में जुटी थी। और कर्नाटक में भी ये योजनाएं जो है जमीनी हकीकत है, और यहाँ केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, ये तमाम चीजें खासकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी काफी कुछ केंद्र सरकार ने योजनाएं लागू की है, ये तमाम चीजें साफ नजर आती है। और हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जो विकास के वादे हैं वो लगभग 5 साल में, पिछले 5 साल में हर उस क्षेत्र में पूरे किए गए, हर उस क्षेत्र में खरे उतरते हुए नजर आए। और जैसे कि मैंने बताया कुछ समय पहले तक, 1 साल पहले तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो ये डबल इंजन सरकार मिलकर यहाँ पर कर्नाटक को एक प्रोग्रेस स्टेट के तौर पर आगे बढ़ाते गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी अब इस विकास की लहर को बीजेपी अब जाहिर है इस चुनाव में लोगों के सामने रख रही है, और लोग इसे जज करेंगे। ये साफ हो जाएगा 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि कर्नाटक में किसकी गारंटी में ज्यादा दम है, कर्नाटक सरकार के पास गारंटी में या फिर मोदी सरकार की तमाम वो गारंटी जिसको पूरा करने की गारंटी खुद नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जी आयशा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ विनोद जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, दक्षिण भारत में साफ तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समूचे भारत में तो फोकस था ही, दक्षिण भारत उसमें अहम कड़ी इसलिए भी जुड़ जाता है क्योंकि सांस्कृतिक और जो विरासत, उसको संजोने का, उसको संवारने का, उसको निखारने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये जो अटूट बंधन दक्षिण भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बना, ये जो जन सैलाब आज हम देख रहे हैं, ये उसी की वानगी है। देखिए, अभी हमारे आयशा जी बता रही थी, हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं बेंगलोर से, आप देखिए कि जो अपना वो अपना ग्राउंड कनेक्ट बता रही थी, अभी तक मैं भी सुन रहा था जी कि ये अद्भुत जो है। और अभी आप उनकी जो बात मैं सुन रहा था तो गारंटी की बात कर रही थी। आज ही पीएम मोदी ने संकल्प पत्र बीजेपी का रिलीज किया है जी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता में जो ये विश्वास और ये ललक जो है वो नेता की बात पे किस तरह से होती है, तो वो अजमाया हुआ विश्वास होता है। आप जब जाएंगे वहां फील्ड में काम करने के लिए तो वो लोग पूछेंगे कि मोदी ही क्यों, तो आपको बताएंगे कि मोदी अजमाया हुआ है। तो ये जो चीजें जो बता रही थी ऐसा जी, तो आप इस चीज को समझिए कि आज जो पीएम मोदी ने जो संकल्प पत्र बीजेपी का रखा है वो एक व्यवहारिक बातों को लेके जब उन्होंने कहा है तो जनता ने उसको अजमाया है ग्राउंड पे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो ललक है वो उत्सुकता है अपने नेतृत्व को लिए बनता है। और जब बेंगलुरु की बात आप कर रहे होंगे, जो दक्षिण में आप कर्नाटक में जो बीजेपी का जो आप ये देख रहे हैं उत्सुकता, ये बीजेपी के लिए आज कोई नया नहीं है, ये बहुत बरसों पुराना बीजेपी का उस इलाकों में एक अपना आधार रहा है, एक उस पे बहुत कठिन आप कह सकते हैं कि उसमें कार्यकर्ताओं का, वहां के लोकल लीडरशिप का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस दौर में पीएम मोदी ने जो अभी ये बता रहे थे, ये कोस्टल इलाका है और उसमें मछुआरों को लेकर जो फोकस्ड काम पीएम मोदी ने किया है, उस समाज को, जिस समाज को अभी तक हाशिए पे पड़ा हुआ समाज था, उसको लेके जब आप मेन स्ट्रीम में आते हैं, उसकी चर्चा मेन स्ट्रीम में होती है, उसका इकोनॉमिक लेवल बढ़ता है, अपलिफ्टमेंट होता है सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है कि वो सोसाइटी आपको रिसिप्रोकेट करता है। तो ये जो इस देश को इस वोट से, आज के इस जो इलेक्शन की रैलियां हैं उनसे ये समझना चाहिए कि जनता में आप विश्वास पैदा करोगे उनके बीच में रखे, तो जनता यहाँ का आपको उसी तरह से अभिवादन करेगी जो आपके नेतृत्व में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया याद रखेगी। ये मैं दुनिया की बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, पीएम मोदी तीसरे टर्म के लिए आज वोट मांगने आए हैं, और तीसरे टर्म के लिए दुनिया में शायद ही कहीं आपने देखा होगा इस तरह का नजारा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि तीसरे टर्म के लिए कोई पीएम जो है वो पब्लिक के बीच में जाए और पीएम के लिए वो सारे भीड़ इस तरह से ललक और वो एक तरह से लहर देखने को मिले। ये भी एक अजूबा चीज है। तो साउथ हो या नॉर्थ हो, ईस्ट और वेस्ट हो, आज देश का नेतृत्व के रूप में अगर पीएम मोदी एक लोगों के सामने में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग ये मानते हैं कि हमारा आजमाया हुआ लीडर है।
और जब आजमाया हुआ लीडर आप बात करते हैं तो वो एस्टेबिलिटी जो लोगों के मन में है वो इस भीड़ से रिफ्लेक्ट होती है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है जो जन सैलाब यहाँ हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, लोग भी देख सकते हैं। हम अगर बात करें तो भाजपा के सामने जो हम चुनौतियों की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक ये वहाँ पर प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है और बीते 2019 के चुनाव में हमने देखा कि 28 में से 25 सीटें भाजपा लेकर आई। अब की बार 28 में 28 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है और साफ तौर पर जिस तरह से जन सैलाब है तो ये मुकम्मल भी होता हुआ नज़र आ सकता है जब रिजल्ट आएंगे तब। लेकिन चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी चुनौतियाँ सामने नज़र आ रही हैं? देखिए, चुनौती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो हमेशा बनी रहती है गौरव, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का और वो भी इलेक्शन के समय का, तो आप हमेशा मानिए कि एक चुनौती होती है। चुनौती ये भी है कि जिस तरह से वहाँ कांग्रेस की सरकार अभी बनी है और राहुल गांधी की 5 गारंटी को लेके और वो जिस तरह से उस चीज को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का दावा किया है, लोगों के बीच जोर शोर से उसको ले जाने की बात कही है। ध्यान रखना होगा ये डीके शिवकुमार का भी वो पूरा इलाका रहा है, तो जिस तरह से वो इसकी बात को लेते हैं कि भाई हम जनता के चीजों को, जनता की जो अभी तक की सबसे बड़ी डिमांड थी, हम 5 गारंटी लेके गए हैं उनके, उनको हम बिजली फ्री किए हैं, महिलाओं को 2000 रुपया महीना हमने दिया है, महिलाओं के लिए बस फ्री किया है, भला भला बहुत सारी चीजों को 5 गारंटी में अपने को लाते हैं, बेरोजगारों को हमने दिया है। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जब आपने इतना दिया है तो फिर बेंगलुरु में मैं देख रहा था, ऐसा जी बेहतर बताएंगे कि बेंगलुरु में अभी सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर 3 दिन से लगातार कैंप किए हुए थे और वो कैंप करने का उनका ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि कई सीटें ऐसे हैं जो लगातार 2004-2009 से कांग्रेस वहां आ ही नहीं पाई है। तो ये जो चीजें हैं ये एक भरोसा का है, वो आपके इस फ्रीबी और ये सारे एजेंडे पे वो पब्लिक की भीड़ और वो सारे जनता की जो उत्सुकता है वो उससे नहीं बनती है। क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि आपको मानना पड़ेगा कर्नाटक अभी थोड़ा सा ड्रॉट सिचुएशन में है कुछ इलाके, बाकी कर्नाटक कई राज्यों से संपन्न राज्य है जी। और उस संपन्न राज्य में आप जब कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो जनता आपको कैसे यकीन करे कि आप एक जगह बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह आप बिजली का दाम बढ़ा देते हैं, उसके टैरिफ चार्ज आप बढ़ा देते हैं। तो दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, ये बात वहां के लोगों की हकीकत एक तस्वीर है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक चैलेंज तो दिया है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ग्राउंड पे चैलेंज नहीं है, जबरदस्त चैलेंज है और इस चैलेंज का आप देखते हैं कि वहां पे उसका रिस्पांस भी है, लोगों में अच्छी खासी भीड़ कांग्रेस की रैलियों में, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की भीड़ में जुटती है। लेकिन भीड़ जुटना एक अलग बात होती है, भीड़ की जो ललक है, भीड़ की जो उत्सुकता है, जो आप इन तस्वीरों में देखते हैं, भीड़ के चेहरों में जो चीयर्स है, वो शायद यहाँ अभी इस देश में शायद ही कम लीडर को मिले। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए जब आप जाते हैं किसी इलाके में, चाहे वो उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, पीएम के रोड शो में आप जो उस जननायक की वो तस्वीर देखते हैं, ये एक अद्भुत नजारा है जो इस देश में बरसों बाद एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में पीएम एक चेहरा बनने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, साफ तौर पर कर्नाटक की राजनीति और वहाँ की जो स्थिति है और जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम चेहरे अब की बार जिनकी साख दाव पर है, तो ऐसे में अब की बार का चुनाव 2019 से किस किन किन मायनों में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है? देखिए, इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि कर्नाटक में जो अभी हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं, 5 गारंटीज की बात कर रहे हैं, ये कितने हद तक लोगों तक पहुंची है और कितने हद तक लोग सिर्फ स्वीकार कर चुके हैं, कितने हद तक ये 5 गारंटीज जो है, 5 गारंटीज का कार्ड जो कांग्रेस सरकार इस्तेमाल करती है वो कितने हद तक ये कार्ड चल रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी इस बात की देते हैं कि वो लोगों को एम्पावर करते हैं, यानी सोशल स्कीम्स के जरिए, वेलफेयर स्कीम्स के जरिए उन्हें लागू करते हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्हें एम्पावर करते हैं। तो ये गारंटी वर्सेस केंद्र सरकार की जो गारंटी है, ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो इसमें
ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे, इसमें साफ नजर आएगा कि कौन सी गारंटीज को लोग ज्यादा मानते हैं, किन गारंटीज पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की जो गारंटीज है उसे वो महज कोई मुफ्त प्रीबेस नहीं है। इसमें लोगों को एजुकेशन, चाहे वो लड़कियों के लिए एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के लिए उन्हें सशक्त करने की बात हो, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ट्रिपल तलाक की बात हो, ये तमाम चीजें जो है ये एक समाज को मजबूत बनाने की कोशिश है। जबकि फ्री बीज, जबकि गारंटीज है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ हद तक के आसानी से मिलने वाली चीजें लगने लगी हैं। और अभी भी कुमार स्वामी ने इस पर एक कमेंट करके, कुमार स्वामी मुश्किल में फंसे हैं क्योंकि कुमार स्वामी ने ये कहा था कि गारंटीज के जरिए लोग बहुत आलस, लोगों में आलस आ रहा है, और उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी भी कर दी थी। तो ऐसे में ये गारंटीज जितने हद तक लोगों में कामयाब हुई, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसका नतीजा जो है अब साफ नजर आएगा इस लोकसभा चुनाव में। और एक खास बात ये भी है गौरव, कि प्रधानमंत्री की गारंटीज और उसकी विकास योजनाओं के साथ साथ एक कल्चरल कनेक्ट जो है इस चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापना के बाद जो कल्चरल कनेक्ट पूरे देश में देखा जा रहा है वो खास है। और बैंगलोर भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कल्चर के लिए एक गढ़ है। बैंगलोर की अपनी अलग संस्कृति है, और यहाँ के जो अलग संस्कृति कर्नाटक के हिस्सों से अलग है, और ये एक कल्चरल कनेक्ट है। बैंगलोर के लोग काफी धार्मिक भावनाओं के साथ रहते हैं, तो ऐसे में ये कल्चरल कनेक्ट भी जो है लोगों में एक नई अवेकनिंग ला रहा है। और ये जो है इसे भी लोग आजमाएंगे इस चुनाव में, और ये देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल विकास बल्कि उसके साथ साथ कल्चर और उसके साथ साथ सबका विकास और सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया है, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का जो नारा दिया है उन्होंने, ये तमाम चीजें इस चुनाव में एक एक्टिव टेस्ट के तौर पर देखी जाएंगी, और ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे ज्योति से कि इस चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां क्या क्या है, तो ये खास रहेगा कि बीजेपी कोशिश करेगी कि ओल्ड मैसूर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। ओल्ड मैसूर क्षेत्र में 8 सीटें हैं, तो बीजेपी इन तमाम 8 सीटों को जीतना चाहती है। और बीजेपी अगर यहाँ पर 8 सीटों पर विजय हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए फिर बैंगलोर जो कोस्टल इलाका है, बीजेपी का जो गढ़ है, यहाँ पर 4 सीटें जीतना आसान हो जाएगा। तो 10 सीटें बीजेपी के हाथ में है, और 28 में से अगर हम बात करें तो बीजेपी अगर इस बात को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं बीजेपी के एनालिस्ट, बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता, तो उनके सामने ये साफ नजर आता है कि ये तमाम चीजें उनके लिए आसान हो जाएगी। और उसके अलावा उत्तर कर्नाटक है जो सेकंड फेज में वोटिंग होगी, तो यहाँ पर उत्तर कर्नाटक में भी कास्ट इक्वेशन के आधार पर बीजेपी ने काफी कुछ चेंजेस भी लाए हैं, काफी कुछ बदलाव किए हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट में। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंगलोर में बीजेपी ने पहली बार एक युवा चेहरा जैसे ब्रिजेश चोटा है उन्हें मैदान में उतारा है। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी आजमाने की कोशिश कर रही है। युवा चेहरा जैसे ब्रिजेश चोटा है उन्हें मैदान में उतारा है। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी आजमाने की कोशिश कर रही है। आयशा, आपकी बार के चुनाव में आयशा, आपकी बार के इस चुनाव में युवाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा नजर आ रही है? साफ तौर पर हम देख रहे हैं, एक तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसमें कर्नाटक तेज गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को और ऊंचा और ऊपर पहुंचाने में मदद भी कर रहा है। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि जो युवा हैं और अब की बार के जो युवा कैंडिडेट हैं और अब की बार जो नए वोटर हैं, उनकी क्या सोच है अब की बार ग्राउंड जीरो पर कर्नाटक में और बीजेपी को लेकर और तमाम अन्य दलों को लेकर? देखिए, युवा वोटर जो है एक जेनरेशन शिफ्ट देख रहा है राजनीति में। युवा वोटर जो पहले बार मतदान करेंगे, इन्होंने मोदी के 10 साल को देखा है, तो जाहिर सी बात है इनमें वो जेनरेशन शिफ्ट नजर आ रहा है। और जो करेक्शन किए जा रहे हैं इतिहास के बाद, जो बताया जा रहा है कि किस तरह से कई गलत फैसले हुए थे पिछले शासन में, पिछले केंद्र सरकार के शासन में,
उदाहरण के तौर पर कच्चतीबू की बात जब हम करते हैं, तो किस तरह से एक गलत फैसले के चलते एक अहम द्वीप का हिस्सा जो है वो श्रीलंका को चला गया। तो ये जो है युवाओं को इस बात की अब समझ है, वो जज करने लगे हैं, क्योंकि ये एक नया जनरेशन है और वो समझते हैं राजनीति को, वो प्रैक्टिकल हैं और वो महज भावनाओं के आधार पर अपना वोट नहीं देना चाहते। तो जाहिर है युवाओं के लिए जो बीजेपी जो विकसित भारत की बात करता है, जो एम्पावरमेंट की बात करती है बीजेपी, ये तमाम चीजें युवाओं को काफी लाभदायक नजर आती हैं। देखिए जो फ्री बस स्कीम की बात हम करते हैं कर्नाटक सरकार की, इनमें से हर इलाके में फ्री बसेस हैं, लेकिन कई छात्र हैं, कई युवा छात्र हैं जो मानते हैं कि फ्री बस सर्विस की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बसेस भरी हुई जाती हैं, उनके कॉलेज के सामने बस रुकती नहीं। तो ये युवा हैं जो वो जानते हैं कि फ्री बीज यानी इस तरह की गारंटी से कितना नुकसान होगा, किस तरह से समाज को आगे ले जाने के बजाय इसे पीछे खींचने वाली बात बनती जा रही है। तो ये युवा पीढ़ी है जो जानती है कि विकसित भारत का नारा और 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवाओं के लिए तैयार किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल की बात करते हैं और कृषि से लेकर स्पेस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवाओं के लिए कई मौके, कई उनके लिए फैसिलिटीज तैयार किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। तो जाहिर है इन लोगों में वो ताकत है कि वो जज करें, वो देखें कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए और आगे एक बेहतर नागरिक बनने के लिए उन्हें क्या क्या, किस तरह की चीजें उनके उनका साथ देंगी। तो युवा पीढ़ी जो है वो जनरेशनल शिफ्ट के तहत देख रही है कि बीजेपी किस तरह से युवाओं को इस विकसित भारत का हिस्सा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को न्यू इंडिया की नींव मानते हैं, हमेशा से जब भी वो संबोधित करते हैं युवाओं को, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें उनकी हर योजना का हिस्सा युवा होते हैं। और उसके अलावा महिलाएं, खासकर महिलाएं जो है वो अब बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा ले रही है। महिलाएं अब डिसीशन मेकर्स हैं, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं की भी अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक के बाद कई सारे ऐसे बदलाव हमने देखे हैं परिवारों में, जहां पर महिलाएं डिसीजन मेकर्स हैं। और ये जो है बीजेपी के पक्ष में, ये तमाम फैक्टर्स जो है बीजेपी के पक्ष में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब बात करते हैं विकसित भारत की, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए एक एडवांटेज फैक्टर के तौर पर साबित होते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की भीड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में जुड़ जाती है। हर शहर में इसी तरह का नजारा हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोयम्बतूर हो, दक्षिण के शहरों में हमने देखा, चाहे वो केरल हो, इन तमाम इलाकों में इसी तरह का स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देखने को मिल रहा है। देखिए बीजेपी ने अपने आप को उस तरह से पोजीशन किया है जिस तरह के युवा उन्हें एक्सेप्ट करें। केरल में कुछ साल पहले तक ऐसी बात नहीं थी, केरल में बीजेपी को एक उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने बाद में इस इलाके की जो यहाँ के युवाओं की जो सोच है उसके आधार पर बीजेपी ने अपने आप को पोजीशन किया और अपने आप को यहाँ पर विकास की धारा के साथ युवाओं को जुड़ने लगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कर्नाटक में भी कई योजना युवाओं के लिए, कई योजनाओं को लागू किया, ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं और बीजेपी के लिए एक एडवांटेज फैक्टर बनती है। तो सबसे खास बात यही है कि इस चुनाव में जो जेनरेशनल शिफ्ट है, जो एक जेनरेशन के आधार पर जो युवा वोटर है, जो नया वोटर है, जो पहली बार वोट डालने वाले छात्र है, वोटर्स है, वो ये तमाम वोटर जो है वो एक नए भारत की उम्मीद के साथ मतदान केंद्र के और आगे बढ़ेंगे। और पूरे इस बात की भी उम्मीद है कि साल 2047 का जो प्रधानमंत्री ने जो विजन बनाया है वो उनके लिए है। आगे चलकर नागरिक ये इस देश के नागरिक होंगे और आगे चलकर महिलाएं और युवाओं को जो सशक्त करने की जो प्रधानमंत्री के प्रयास है उसके लिए ये तमाम युवा और खासकर महिलाएं जो है इस विकसित भारत का हिस्सा बनेंगे और इस विकास की कड़ी का हिस्सा बनेंगे। जी आयशा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, विनोद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी,
हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और उसके बाद 2024 का चुनाव जो कि सामने है वो हम देख रहे हैं। 2014 से इनकी जो जर्नी शुरू हुई, जो इनकी संघर्ष की यात्रा शुरू हुई, वो हम देख रहे हैं साल दर साल वो और ज़्यादा बढ़ती गई। और आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो उनका चेहरा सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर उनको देखते हैं, वैश्विक स्तर पर लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस 2024 के चुनाव में ये कितनी मददगार साबित होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है जो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी मैं सुन रहा था ऐसा जी का कि देखिए ये कोस्टल इलाके में आप देखिए बीजेपी आज की नहीं है, जहां तक मुझे याद है 91 से बीजेपी यहाँ के 3 सीट पे लगातार जीतती रही है जी। उसके बाद बीजेपी का जो है वो फैलाब उत्तर कर्नाटक के तरफ हुआ था और वहां 2004 से आप देखिए कि बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई और उसके बाद वहां पे सीटें बीजेपी की बढ़ती चली गई थी। तो ये जो ग्राउंड कनेक्ट है ये बीजेपी का बहुत पुराना है जी। और उसके साथ में वहाँ के लोग और वहाँ के युवाओं के साथ में जो जुड़ाव है, जो कल्चरल एस्पेक्ट की बात आपको विस्तार से अभी ऐसा जी ने बताया, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चीजों को समझाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें ये समझने की बात जो आज हम देख रहे हैं कि कुलवर्गी के सांसद रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार मैदान में नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सेनापति हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अपने खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपने बदले में अपने दामाद को वहां से टिकट दिलवाया है। तो आप ये सोचिए कि इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है जब सेनापति खुद जो कमांड चीफ होता है पार्टी का और वो चुनाव में नहीं होता है। जैसे तरह से आप ये देखिए कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भी राज्यसभा पहुंच गई है जी। तो यूपी में देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये जो परसेप्शन बनता है वो सिर्फ नैरेटिव से नहीं बनता है, वो परसेप्शन आप अपना नैरेटिव तब बनाते हैं जब आप लोगों के बीच में जाते हैं। तो बीजेपी का जो कमांडर के रूप में नरेंद्र मोदी एक लीडरशिप को लेके अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो ये खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो अपने साथ में छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को इस जंग में, इस लड़ाई में वो एक साथ लेके चलते हैं। तो ये जो लीडरशिप का कनेक्ट है वो आपको बेंगलुरु में भी दिख रहा है या देश के कुल किसी भी हिस्से में दिखता है। जब बात आप पूछ रहे थे 2014 से लेके और लगातार, तो इस चीज को देखिए कि इस देश में ये पहली बात भी मैं चर्चा इस बात को कर चुका हूँ कि जो लगातार जो मिलीजुली सरकार का ये दौर रहा है देश में 30 साल, लगभग 2 पीढ़ी के लोग कम से कम इस चीज को देख चुके हैं इस देश में कि मिलीजुली सरकारों का हश्र क्या होता है। और एक बार अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट उसके सामने में होती है तो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में 2014 के बाद आप देखिए कि जितने बड़े फैसले लिए गए हैं वो इस दौर की कहानी है जी। चाहे आप वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का कर लीजिए या आर्टिकल 370 का स्कैप देख लीजिए असले का, या आप राम मंदिर भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान, ये पहली बार 500 साल के बाद राम मंदिर में रामलला के रामनवमी का एक भव्य समारोह होने जा रहा है। ये ऐसे अनगिनत ऐसे बदलाव है जो ये ट्रिपल तलाक की बात कर रही थी, क्या किसी भी देश इस देश में क्या संभव था मिलीजुली सरकार से कि ट्रिपल तलाक के इशू पे कोई सरकार फैसला ले ले। तो ऐसे जितने भी आप देख रहे हैं सामाजिक सुधार की बात हो या कानूनी प्रक्रिया में, आप देख लीजिए कि इस बार पूरे कानून के आईपीसी का जो ये कानून था, अंग्रेजों का जो कानून था उसको रद्दो बदल करके एकदम इंडियनाइज्ड कानून देश के सामने में है, लीगल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, अब उसको भारतीय न्याय व्यवस्था बनाया गया है। तो ये सारे बदलाव इस देश ने तब देखा है जब इस देश ने एक स्टेबल गवर्नमेंट देखा है, एक मजबूत सरकार और स्थिर सरकार की बात क्या होती है ये हमारे पीढ़ी और इसके बाद की जो पीढ़ी है वो 2014 से देखा है। तो आप मिलीजुली सरकार का एक्सपीरियंस भी लोगों के सामने में है 2013 तक में और उसके बाद का, तो वो जब लोगों के सामने में होता है तो एक बार जरूर इन फ्रीबी और इन सारे एजेंडा से हटके लोग अपनी स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व की ओर जब देखते हैं तब नरेंद्र मोदी चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, भीड़ या जो उल्लास है, जो चीयर्स है, जो अभिवादन है वो ऐसे ही मिलता है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टी ये राजनीति है, सत्ता के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना संघर्ष होता है, हर पार्टियां चाहती है कि वो सत्ता में आए, ये उनका अपना एक हक भी बनता है,
लेकिन ये जब आप एक पैरेलल में एक अल्टरनेट बनने के लिए जाते हैं नरेंद्र मोदी का, तो आपको उसके लाइफ में उस चीज को आपके लोगों में लेके जाना पड़ेगा जो आपका व्यवहारिक दिखे, उस कमिटमेंट को लेके जाना पड़ेगा जो लोगों को यकीन हो, और ये यकीन दिलाने में अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होता है तो आप मान सकते हैं कि 2000 तीसरी बार भी अगर मोदी कह रहे हैं अब की बात मोदी सरकार, तो ये मोदी है इसलिए मुमकिन है। बिल्कुल, सांस्कृतिक पहलुओं पर भी अगर हम जोर दें तो हमने देखा है कि सेंगोल से लेकर तमिल संगमम तक ये भी तमाम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, ये अब की बार के चुनाव में खासा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। विनोद जी, डेफिनेटली देखिए, ये उत्तर दक्षिण की जो बात हम लोग जब कभी करते हैं, ये एक फेक नैरेटिव से इस देश में बरसों तक इस चीज को रखा गया था। ये जितने रीजनल पार्टियां हैं उनका अपना अपना एक जो नैरेटिव रहा है, कभी एंटी नॉर्थ नैरेटिव है, कभी एंटी हिंदी नैरेटिव है, और ये नैरेटिव को लेके वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहाँ की रीजनल पार्टियां अपने जनरेशन को लाते रहे हैं पॉलिटिक्स में। ये भी इस दौर का कमाल है कि जब आप देखते हैं कि काशी तमिल संगमम का में आप जब साउथ इंडिया तमिलनाडु के वो सारे लोग जब काशी पहुंचते हैं, तमिल के अपनी वो भव्यता को वहां पे देखते हैं, अपनी वो पुरानी संस्कृति को वहां पाते हैं, तब जाके उनको लगता है कि अभी तक उत्तर दक्षिण की जो एक खाई बनाई गई थी वो नकली थी। तो इसको पाटने के साथ साथ आप जब देखते हैं कि भव्य नया पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ था और आपके सामने नेतृत्व करते हुए आगे आया था, तो दक्षिण भारत के वो चोल राज्य की जो परंपरा थी, उसकी जो संस्कृति थी सेंगुल की, वो सेंगुल जब दक्षिण भारत के लोगों ने देखा होगा तो उसे लगा होगा कि इस पार्लियामेंट में ये जो राजदंड है, ये जो ध्वज है, वो स्थापित है जो भारत की एक सांस्कृतिक एकता के लिए आप समझिए कि एक मजबूत कड़ी है। तो इतने सारे चीजें प्रयास होना अभी बाकी था। हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे तमिलनाडु में जब पीएम का रोड शो था, तो हम देखिए ये देश में कैसे नैरेटिव का था। कांग्रेस की वहां सरकारें थी, लगातार कांग्रेस की सरकारें तमिलनाडु में थी, लेकिन अगर ये कांग्रेस वहां 50 साल बाद भी अभी लौट नहीं पाई है तो उसकी वजह ये है कि वो या लगातार डीएम के भरोसे या कभी एआईडीएम के भरोसे वहां अपने सब पार्टियों की वह गतिविधि और इलेक्शन का फॉर्मेलिटी पूरा करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर 2024 में बीजेपी को लेके, अगर वहां एक बीजेपी एक पार्टी को लेके 9 छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में वहां नवरत्न बना के लड़ने के लिए तैयार है और डीएम को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है आज, ये बात तो कभी कांग्रेस भी कर सकते थे, कांग्रेस के नेतृत्व भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो यही यूपी में कर सकते थे, बिहार में कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप अगर इस तरह से ये इंडिया गठबंधन जैसे गठबंधन, यूपीए गठबंधन जैसे गठबंधन लेके सिर्फ अगर ये फॉर्मूला पे काम करती रहेगी, ये नेतृत्व की अगर पूरी फिलोसफी कि ये हमको सिर्फ मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो शायद इस देश में अब इस चीज को बेमानी लोग मानते हैं। लीडरशिप को कम से कम मोदी के पैरेलल में वो नेतृत्व देना होगा, तभी शायद मुझे लगता है कि देश एक फैसला लेने के हक में होगा। गौरव जी, विनोद जी, अब बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा, ग्राउंड जीरो पर जब हम देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर 2019 में हमने 25 सीटें देखी और अब की बार 28, तो कहीं ना कहीं जो दारोमदार है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर है और अब की बार उनको और ज्यादा कोशिश करनी है कि 28 में से 28 सीटें आ पाए। किस तरह की रणनीति? बिल्कुल, ग्राउंड में तो अगर आप देखें तो बीजेपी के इस बार की रणनीति कर्नाटक में रंग लाती हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया है और जेडीएस के साथ अलायंस है यहाँ पे, तो ये जो है एक कास्ट इक्वेशन के तहत अगर हम देखें तो वकलिगा समुदाय जिस पर जो जेडीएस पार्टी का ज्यादातर उसमें डोमिनेशन है, तो ये जो वकलिगा कास्ट के वोट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये जो अलायंस है बीजेपी और जेडीएस के बीच, ये दोनों पार्टियां मिलकर ग्राउंड लेवल पर एक यूनाइटेड प्रदर्शन करती हुई नजर आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कई आला नेता जो है मिलकर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मिलकर प्रचार किया मैसूर क्षेत्र में, कुमार स्वामी मौजूद थे इस वक्त। तो ये जो अलायंस की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, ये बीजेपी के लिए
काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी बीजेपी के पास जो बोकलिगा वोट बेस है ओल्ड मैसूर रीजन में, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है जी। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अलायंस के तहत देखें तो हम जेडीएस के लिए बेहद जरूरी था बीजेपी के साथ जुड़ना, क्योंकि जेडीएस की पहचान के लिए, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में जेडीएस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि जेडीएस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे, तो जेडीएस को अपनी अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा। तो बीजेपी इसका भरपूर कास्ट इक्वेशन का फायदा उठाते हुए ये रणनीति यहाँ पर तैयार की है, और ये ग्राउंड लेवल पर दिख रही है कि किस तरह से आला नेता मिलकर प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से जेडीएस और बीजेपी कांग्रेस सरकार की कई खामियों को लोगों के सामने रख रहे हैं, उनकी कमजोरियां गिना रहे हैं और उनके जो स्कीम्स हैं उसे एक्सपोज करते हुए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये रणनीति बीजेपी के पक्ष में रहेगी। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सीट पर टिकट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया है, तो ये भी एक थोड़ा अंडरकरंट बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी जब भी मैदान में उतरती है एज ए पार्टी, जब आखिरी वक्त तक, जब वोटिंग तक बीजेपी इस पूरे मामले को सुलझा लेती है और एक जुट होकर हर हर जीत को हासिल कर लेती है, तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये चुनौती कुछ हद तक बीजेपी के सामने अभी भी रही। कम से कम 10 सीटों पर कुछ बीजेपी के नेता नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात कही जाती है, और जो बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि और प्रधानमंत्री का 10 साल प्रधानमंत्री ने केंद्र में जो शासन दिया, ये तमाम चीजें जो है इसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। तो ये जो है बीजेपी का एक एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज के तहत बीजेपी कर्नाटक में जो लक्ष्य रखा है 28 की 28 सीटें जीतने का, ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं कह सकते। जैसा कि अभी विनोद जी बता रहे थे, तो मोदी है तो मुमकिन है, तो यही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, और उन्हें यही कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर ये फॉर्मूला बीजेपी के बीजेपी चलाती आ रही है पिछले दो टर्म से, तो इस तीसरे टर्म में ये फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा, तो इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी इन तमाम फैक्टर्स को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, और ग्राउंड पर यही रियलिटी नजर आ रही है कि कैसे बीजेपी एक एक चप्पे चप्पे पर, एक एक बूथ पर अपनी मजबूती, देखिए बीजेपी का सबसे ज्यादा उसकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है। बूथ पर बीजेपी कैसे पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी बनाती है, एक एक बूथ पर एक एक लीडर को तैयार करती है। और बीजेपी की एक और खासियत है कि वो एक हर कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जो फुट सोल्जर्स है, उन्हें भी अहमियत देती है, उन्हें पार्टी का हिस्सा मानती है। तो ये जो है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत बीजेपी अपनी जीत में बदलती जा रही है, और इस चुनाव में भी ये रणनीति साफ नजर आ रही है। आयशा, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी हम देख रहे हैं, और बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं वो इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ भी रही हैं, ऐसे में ये कितना बड़ा चेंज मेकर साबित होगा 2024 के चुनाव में? जी बिल्कुल, महिलाएं एक अहम वोट बैंक बन गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो योजनाएं लागू की है, और वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो ये जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, ये जो है महिलाएं जानती हैं कि कैसे उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार कर रही है बीजेपी। महिलाओं को महज घर में उज्ज्वला स्कीम के जरिए उन्हें घर में गैस के सिलेंडर देकर वहीं तक सीमित नहीं किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा रहा है, तो ये महिलाएं जानती हैं। यही वजह है कि महिलाएं अब कई घरों में महिलाएं डिसीजन मेकर्स बन गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्पसंख्यक समुदाय में भी महिलाएं इस बात से वाकिफ है कि कैसे
उन पूरे जो उनके जो पुराने ख्यालात हैं उनसे बाहर निकाल कर उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बात की एक्सेप्टेंस हर वर्ग की महिला, हर क्षेत्र की महिलाओं में साफ नजर आ रही है। तो ये बीजेपी की एक ताकत है, बीजेपी की एक शक्ति है और बीजेपी इन तमाम चीजों पर निर्भर है। और बीजेपी को इस बात का आश्वासन भी है कि ये जो तमाम जो फैक्टर्स हैं, जो जो तबका है, महिला हो या फिर लाभार्थी तबका हो या युवा तबके, तमाम जो तबके हैं वो बीजेपी के पक्ष में बीजेपी को वोट देंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी वोट मांगने के लिए इस तरह के रोड शो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उनकी जो शख्सियत है, उसको के साथ जुड़ जाते हैं, लोगों के साथ उनका कनेक्ट होता है। तो ये जो है बीजेपी की कामयाबी का मंत्र बनता हुआ जा रहा है। और ये जो है जाहिर सी बात है इतिहास में आगे चलकर ये मोदी मंत्र बनेगा और बीजेपी इस मंत्र को जीत के अपनी जीत के लिए आगे भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाती रहेगी। बिल्कुल आयशा, बनी रही है हमारे साथ, विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक आकलन करना भी ज़रूरी है कि आज हमने देखा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने आया, साथ ही साथ हमने और भी जो पार्टियां हैं और साफ तौर पर क्षेत्रीय पार्टी जो इंडी गठबंधन में है उनके भी अलग अलग मैनिफेस्टो देखे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इंडी गठबंधन बन रहा है तो एक विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन वहां जो बिखराव की स्थिति है वो अब की बार के चुनाव में खासतौर पर अगर हम देखें तो वो कितना बड़ा अलग डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। देखिए गौरव, हम लोग बात कर किए हैं इस पे पहले भी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबी को लेके और गारंटी को लेके अगर कुछ बातें करती है तो उसमें अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया भी आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को घोषणा करने से रोकती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव के भले ही अभी एक भी लोकसभा केंद्र में सांसद नहीं है, लेकिन अगर वो 2024 के इलेक्शन में आए हैं तो उनको ये घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हर बहनों को 1,00,000 रुपया देंगे जी। उनको ये घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम OPS लागू कर लेंगे जी। तो अब सवाल ये है कि उनको ये नहीं कोई पूछ रहा है कि भाई OPS लागू कर लेंगे आप तो कैसे कर लेंगे, ये उनका टेंशन नहीं है, उनको घोषणा करना है। तो 25 गारंटी भी राहुल गांधी के कमोबेश वही है कि वो 5 न्याय 25 गारंटी उनको घोषणा करना है और उन्होंने घोषणा किया है। आज मैं जब देख रहा था कि जो बीजेपी के संकल्प पत्र पे पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आ रहे थे डिफरेंट अपोजिशंस के भी और इंडिया गठबंधन के खास करके, तो हर पॉलिटिकल पार्टी कंपैरिजन घोषणा गारंटी के बदले वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नैरेटिव पे जा रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अगर आपके गारंटी में इतना दम है, जो आप न्याय पिछली बार भी राहुल गांधी ने एक न्याय योजना लाई थी जिसमें 72,000 रुपया वो मिनिमम आय की गारंटी उन्होंने दी थी, और सवाल ये है कि ये 72,000 मिनिमम गारंटी योजना कितना शानदार इकोनॉमिक फार्मूला था, तो कर्नाटक में आते आते 72,000 का 2,000 क्यों हो गया, जो गारंटी योजना में आप महिलाओं को सिर्फ वो भी आप कैप लगा के 1 करोड़ महिलाओं को आप गृह लक्ष्मी योजना का सुविधा आपने देने की बात कही है, जिसमें कई महिलाओं का अभी भी कंप्लेन है कि उसका रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, तो उसको आप 2,000 दे रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि जैसे ही अगले दिन हमारी सरकार बनेगी और 8,500 रुपया आपके अकाउंट में सीधे पहुंचेगी, 1,00,000 रुपया सीधे आपके अकाउंट में साल में आएगा आपकी गरीबी दूर, तो सवाल ये है कि आप जनता के बीच में इसको एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे ले जाएंगे, ये मॉड्यूल आपके पास में नहीं है। तो शायद जनता आप शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पास भी अगर आपने OPS लेके इलेक्शन हिमाचल में लड़ा और जीता, आपने कर्नाटक में OPS को लेके आए और इलेक्शन जीता, लेकिन OPS ना आपने कर्नाटक में लागू किया न हिमाचल में लागू किया, और 2024 के मैनिफेस्टो में आपने OPS पे चर्चा ही बंद कर दी। तो रीजनल पार्टी में अगर अखिलेश यादव OPS दे रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव OPS दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? लेकिन सवाल यही उठता है जी, सवाल यही मैं बताता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज बात यह है कि राहुल गांधी यही गारंटी पे नहीं रुकते हैं। जब वो आते हैं सामाजिक न्याय की बात करके, जो कांग्रेस शायद पहली बार इस तरह के मैनिफेस्टो का ये किया होगा, और जब वो आते हैं सामाजिक न्याय में कि जाति गणना
तो शायद उनके लिए कर्नाटक, इसी कर्नाटक में उदाहरण है कि 2017 की जाति गणना का की रिपोर्ट जो है वो रखी रखे आपने इतने सालों के बाद, दूसरी सरकार सिद्धारमैया की आई हुई थी और भारी हिलो हज्जत के बाद उसने कमीशन की रिपोर्ट ली है, लेकिन आज तक उसको आप पब्लिश कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि अगर